हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे भरुआ मसाला भिंडी, जो खाने में बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड खाने में। तो भरुआ भिंडी बनाने के लिए हमको छोटा छोटा जो भिंडी होती है स्वीट स्वीट, ऐसा हमको भिंडी चाहिए। और भरुआ भिंडी बनाने के लिए आपको भिंडी एकदम ताज़ी होना चाहिए, तो आपकी भरुआ भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। और भरुआ भिंडी में हमें क्या क्या चाहिए, जो हमारा वीडियो जो है शुरू से पूरा देखें, वीडियो मिस ना करें, मतलब वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए कि आपको हर नई नई वेकेशन मिल सके, और जितना हो सके हमारा वीडियो शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पाव भिंडी लिया है, पाव मतलब 250 ग्राम भिंडी है, और भिंडी को इतना, ये बहुत ताज़ी भिंडी है, और दोनों साइड आपको इसको कट कर लेना है बीच में। उसके बाद भिंडी को ऐसे बीच में ऐसे खोल लेना है, पूरा नहीं भिंडी को खोलना है कि आप मसाले कैसे भरोगे। तो भिंडी को पहले से मैंने धो लिया है, और भिंडी को अच्छे से धो के ही बनाए, क्योंकि भिंडी में है ना दवाई भी डाली हुई रहती है। तो भिंडी को अच्छे से पहले धो के सुखा लें, फिर सब्जी बनाए। तो मैंने इस तरह से भिंडी को इसे कट करके इसे इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसमें कौन कौन से मसाला ऐड करेंगे, तो इस तरह से आप वीडियो को शुरू से पूरा देखें, वीडियो बीच में ना छोड़ें। तो इस तरह से आप भी अपने इस तरह से भिंडी को कट कर लें। देखिए मैंने सारे कट कर लिया है। तो चलिए मसाले भी तैयार कर लेते हैं इसके। तो मसाले में मैंने क्या क्या लिया है, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच है, धनिया पाउडर 0.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 0.5 चम्मच, हल्दी पाउडर 0.5 चम्मच से कम हल्दी पाउडर है, 0.5 चम्मच से कम नमक, नमक अनुसार डालें। अब इसमें हमने डाला है राई का पाउडर, जीरा सौंफ, और ये तीन तरह के मसाले इसमें मिक्स है, जीरा सौंफ और मेथी। तो ये देखिए, ये मैंने गरम मसाला लिया है, और ये चाट मसाला है, चाट मसाला भी ज़रूर डालें। तो क्या ना आपकी, अब मैंने इसमें थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, खड़ी सौंफ, थोड़ी सी मैंने जीरा लिया है। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें, कि भरुआ भिंडी जब बना रहे हो, भरुआ भिंडी में मसाले भी बहुत मायने रखता है कि आप कौन कौन सा मसाले डाल रहे हो, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। और अच्छे से इसको मसाले को मिक्स करने के बाद आपको इसे जो भिंडी में हमने कट लगाया था उसके बीच में भिंडी को मसाले को भर लेना है। और इस तरह से भिंडी को मसाले भरने के बाद भिंडी को 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, कि जो मसाले अच्छे से सेट हो जाएंगे, फिर हम भिंडी को बनाएंगे। और इसको फ्राई नहीं करना है, बहुत कम तेल में इसको हम बनाएंगे, और इसको चावल के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हो, सर्व कर सकते हो। और ये सब्जी ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से अगर आपको मसालेदार चाहे चटपटी सब्जी खाने का मन करे, तो इस तरह से आप सब्जी बना सकते हो, और एक बार ज़रूर बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है ये। हम एक बार बना के खाओगे फ्रेंड भूल जाओगे, क्योंकि ये सब्जी हर चीज़ में सेट हो जाती है, चावल के साथ, पराठे के साथ, कोई भी डिश के साथ सर्व करो ये सब्ज़ी सेट हो जाती। तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, हमको भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ भिंडी को हमको अंदर जो मसाले मैंने डाला है बस कुक अंदर से हो जाए, और हमारी जो भिंडी मसाले अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हम सारे भिंडी को ऐड कर देंगे कढ़ाई में। उसके बाद इसको हम आँच को धीमा रखेंगे, क्योंकि जो मसाले हैं वो जल ना जाए, जो भिंडी है हमारी वो नहीं जल जाए, तो हमारी जो भिंडी मसाले दोनों हमारे सेफ रहें। तो इस तरह से आप भिंडी को हिला लें, ज़्यादा ना हिलाएं, नहीं तो जो मसाले हैं वो आपके निकल सकते हैं। तो इस तरह से हमने भिंडी को ढक देंगे 5-5 मिनट के लिए, जो मसाले बच गए हैं उसको ऊपर से ऐसे ऐड कर दें, तो क्या होगा ना आपकी भिंडी जो है भरुआ भिंडी वो बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने ढक्कन से इसको ढक देंगे, और ढक ढक के ही आपको पकाना है। तो देखिए हमारी भिंडी एकदम रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये भिंडी ज़्यादा नहीं पकाते हैं, अगर ज़्यादा पकाओगे तो फिर मसाले और भिंडी गल जाएगी और खाने में भिंडी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारी भिंडी की सब्जी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, भरुआ भिंडी। तो चलिए हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। और फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए हमारी भरुआ भिंडी
बन के दम रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी? मुझे तो ये भिंडी की सब्जी बहुत टेस्ट लगी। हमारे घर में तो सब बहुत अच्छे से खाएं, और ये भिंडी की सब्जी तो एक बार जो खाता है ना भूलता नहीं है, क्योंकि ये इतनी चटपटी और इसमें इतने सारे मसाले डाले हुए हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप भी अपने बनाएं और खाएं, और ज़रूर बताएं कि आपको ये भरुआ भिंडी कैसी लगी। तो फ्रेंड, भिंडी बनाने के लिए भिंडी भी अच्छी होना चाहिए, ताज़ी होना चाहिए, और आपकी भिंडी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए, तो भरुआ भिंडी बहुत टेस्टी बनती है और अच्छी बनती है। कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।